सतना जिले में, जहां पूरा शहर नव वर्ष का स्वागत कर खुशियां मना रहा था, तब जनता की सुरक्षा को लेकर पुलिस अधीक्षक राजेश हिंगणकर पत्रकार वार्ता के माध्यम से अपनी बात रख रहे थे। तब जिले के रेमारी गांव में अपराध का खाता खुल गया। रेमारी गांव में दो पक्षों के बीच हुआ विवाद इतना गहराया कि एक पक्ष ने मनेंद्र मिश्रा नाम के व्यक्ति की हत्या कर दी। हत्या के बाद मृतक के परिजन और गांव के लोगों ने लामबंद होकर आरोपी के घर हमला बोल दिया। लोगों ने आरोपी के घर और दुकान को आग के हवाले कर दिया गया। आरोपी के परिवार के दो उत्सियों की लाशें बरामद हो चुकी है, जो पूरी तरह जलकर राख हो गई। घर के चार अन्य सदस्य लापता है। घर और दुकान भी धू धू कर जल गई। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आशंका है कि घर में लगी आग में कुछ और लोग के शव हो सकते हैं। मौके पर कलेक्टर एसपी एएसपी सहित आला अधिकारी पहुंचे। गांव में भारी तनाव रहा। पुलिस ने आधा दर्जन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। पुलिस अधीक्षक ने जानकारी देते हुए बताया कि दोनों पक्षों की पुरानी रंजिश है। पहले से ही खाली पड़े शासकीय आराजी पर दुकान के सामान को रखने पर विवाद चल रहा था। कल भी दोनों पक्षों ने आपस में झगड़ा किया और मारपीट की, जिसके चलते एक पक्ष ने मनेंद्र मिश्रा की हत्या कर दी। मृतक के पक्ष से उसके परिजन और ग्रामीण इकट्ठा होकर आरोपी जान मोहम्मद के घर में आग लगा दी, जहां दो नाबालिग अजहर और गोलू आग में जलकर मौत के काल में समा गए। बहरहाल पूरी स्थितियां अब पुलिस के कंट्रोल में है। दोनों ही पक्षों पर प्रकरण कायम करके पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। वहीं देर रात रेमारी गांव घटना स्थल पर रीवा रेंज के आईजी अंशुमान सिंह यादव ने पहुंचकर घटना का जायजा लिया। मैं ये सतना हेडक्वार्टर से काफी दूर है, जंगल के नजदीक है यूपी बॉर्डर में, और यहां पे सवापुर थाना लगता है। ये जानकारी मिली थी कि यहां पे जो है वो एक व्यक्ति को मार दिया है। तत्काल थाना प्रभारी और हम लोग सभी पूरा फोर्स लेके यहाँ पहुँचे थे, तो एक मानेन मिश्रा है उसको मारा है। इनका कहना था कि इस परिवार ने मारा है, वो नाम हमारे पास क्लियर हो गए। बाद में ये भी पता लगा कि इन्होंने इस पक्ष ने भी उस पक्ष को मारा है, वो भी हम लोगों ने रिकवर कर लिया है, और इसमें दोनों पक्षों में सख्त कार्रवाई होगी। ये कार्रवाई चल रही है क्योंकि आग भी लग गई थी इसमें, तो आग बुझ चुकी है। फायर ब्रिगेड अभी एक और आ रही है, आग बुझ जाए तो पता चलेगा। सतना से उत्तम पांडेय की रिपोर्ट।